होने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जल्द आप लोगों को दिखाई देने वाला है. तो दे आर द एक्टर्स लीड कैरेक्टर्स बिभुजीत मुखर्जी शताब्दी शी इज कल्पना एंड ही इज सनी. तो द थिंग इज कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है दैट इज़ एयर फिल्म फिल्म्स. हम लोग इन लोगों को ये सारे नए कलाकार जो हैं लोगों को जो अपकमिंग मॉडल्स एंड एक्टर्स हैं उन लोगों को चैलेंज दे रहे हैं जो कि कोई ईस्ट बंगाल से आया है कोई लाइक नॉर्थ बंगाल से आया है एंड लाइक शी इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया. तो दे आर फ्रॉम वेरी स्मॉल सिटीज एंड इवन हम लोग भी जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं हम लोग भी बहुत लाइक नॉर्थ बंगाल से आए हैं छोटे शहर से आए हैं. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको मिलके एक अच्छा काम आगे जाके करें क्योंकि जो कि आपको पता है कि जो लोग छोटे शहर से आते हैं या फिर जो लोग स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं उनको इजीली काम नहीं मिलता है. तो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कोई भेदभाव ना करके सबको को अच्छे से मौका मिले काम करने के लिए. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. अभी हम लोगों का शूटिंग चल रहा है और लाइक 2-3 मंथ्स में ये रिलीज भी होने वाला है एंड दैट्स गन्ना कुछ बोलना. ठीक है सर क्या कहेंगे आपका नाम बताइए. हाँ जरा लाउड बोलने. आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता. कोलकाता में मैं काम करता हूँ. मैं वहाँ पे सीरियल्स करता हूँ या वहाँ पे मूवीज वगैरह किया है. दिस इज माई फर्स्ट वर्क यहाँ पे. सैवी सर ने मुझे यहाँ पे मौका दिया यहाँ पे बुलाया है. आई एम जस्ट हियर फॉर दिस शूट. कल सुबह जैसे मेरी फ्लाइट है वापस मैं जाऊँगा वापस. फिर और एक काम है तो वापस आना है जो भी है. सो इट्स बीन अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग हियर क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ का चीज़ें यहाँ का सब कुछ फ्रॉम टेक्नीशियंस टू एक्टर्स एंड एक्ट्रेस एंड एवरी वन हियर इज सो फ्रेंडली सो नाइस एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम न्यू हियर. मेरे लिए ये बहुत ही क्या बताओ इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. मैं कल जब जाऊँगा वहाँ पे so I'll have a very means this is my first work तो आप समझ रहे हैं जो feeling मेरे को है इसमें. so ये मेरा first time यहाँ पे जब काम कर रहा हूँ तो ऐसे ऐसे चीज़ें experience हो रहा है. ऐसे ऐसे चीज़ें मैं जान पा रहा हूँ सीख रहा हूँ. कोई भी चीज़ हो रही है वो ऐसे समझाया जा रहा है कोई चीज़ ऐसे में मुझे नहीं आ रही है तो सैवी सर ऐसे बताते हैं या फिर दीदी बताती हैं हमें और आर्टिस्ट एंड एवरी वन इज वेरी मच कोऑर्डिनेटिंग एंड दैट्स इट. नमस्ते. आई एम शताब्दी मजूमदार. सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी. आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. और हाँ और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की इस प्रोजेक्ट को लेकर के तो अब तक बहुत ही अच्छा रहा है. बहुत ही खूबसूरत ये प्रोजेक्ट है. ये बहुत ही खूबसूरत गाना आ रहा है जिसपे मैं हम दोनों कर रहे हैं लीड. ये दास्तान है सॉन्ग का टाइटल एंड जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ए किंग फिल्म्स. गाया है खुद हमारी पियाली मैम ने और इनका साथ निभाया है अनुज तिवारी सर ने और सैवी सर ने प्रोड्यूस किया है. थैंक्स टू हिम ही इज द ही हिमसेल्फ ही इज अ वन मैन आर्मी. सो एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा. आप सभी बहुत बहुत प्यार दीजिएगा क्योंकि हम सभी बहुत अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं और सभी जो है हम हर कोई अपना बेस्ट दे रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं. बाकी आप प्लीज प्यार दीजिएगा. थैंक यू सो मच. नमस्ते. मेरा नाम कल्पना शर्मा है. आई एम फ्रॉम गैंगटॉक सिक्किम एंड दिस इज माई सेकेंड वर्क विद एयर किंग सैवी एंड पियाली. थैंक यू सैवी एंड पियाली फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. नमस्कार सर. मेरा नाम सनी अरोड़ा है. मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और बॉम्बे में काफ़ी 3 साल से हूँ. 2019 से हूँ और मैंने यहाँ के छोटे मोटे काम बहुत सारे किए जैसे मैं शेरशाह मूवी में था पीपा में काम किया मैंने और लास्ट मैंने म्यूजिक वीडियोस करा है कलका यानी के साथ करा है एक जुबिन नौटियाल के साथ करा है और काफ़ी वेब सीरीज करी है जिनमें के मेनन हो गए अमित श्याल हो गए जिमी शेरगिल हो गए बहुत सारे के साथ काम किया है और ये मेरा थर्ड म्यूजिक वीडियो है सैवी सर के साथ. थैंक यू सैवी सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड बहुत मज़ा आ रहा है. ये अच्छा एक्सपीरियंस है. डांस थोड़ा मेरे लिए टफ है बट स्टिल आई एम डूइंग इट
एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आप लोग सबका प्यार चाहिए, आप लोग सबका आशीर्वाद चाहिए, बाकी ऊपर वाले काम. गाने का मूड क्या, दो अलग गाने हैं, किस तरह का मूड? सर रोमांटिक, रोमांटिक बहुत बहुत गाने, बहुत बहुत रोमांटिक है. हमारा थोड़ा फंकी एंड रोमांटिक है, थोड़ा ऐसा है. हमारा थोड़ा सा काइंड ऑफ इट्स अ वेरी पेपी ट्रैक, पर बीच में इसमें काफी वेरिएशन है. आपको शायरी भी मिलेगी और बहुत ज्यादा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी क्योंकि उसके लिए आपके गाने को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बाकायदा. सो पर हाँ, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया, कुछ एक प्लेट में जो है, एक प्लेटर में जो है बिल्कुल हटके, जितना अलग 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 तरह का टेस्ट हो सके. सैमी सर ने कोशिश की, हमारी टीम ने कोशिश की है कि वो आप तक ला सके. तो बस आशा करते हैं कि हमारा प्रयास जो है सफल होगा. मैं आपने गाया है दो लाइन गाने, हो सकता है दोनों गाने? जी हम लोग जो दो रेनाउंड चैनल के साथ हम लोगों का बात चल रहा है, तो अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ. जब वो रिलीज हो जाएगा तो अपने आप सब लाइक देखने को मिल जाएगा. बाकी अपडेट खुद बहुत करना चाहिए. कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? कुछ कहेंगे कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? आप लोग प्लीज हमारा गाना जब भी रिलीज होगा प्लीज गाना देखिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है. हम यहाँ आए हैं काम करने, मेहनत करते हैं. यहाँ इंडस्ट्री में लॉबी में घुसना बहुत मुश्किल है, बट सभी सर ने मौका दिया है. सब नॉर्थ बंगाल से है तो काफी दूर से आए एक्चुअली. सभी सर ने मौका दिया है. सभी सर के साथ मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है और आगे भी बहुत काम कर रहा हूं मैं. सभी सर प्लीज आप एक बार तो आइए, एक बार तो आइए सर. सर का नाम सभी सर के साथ मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कर रहा हूं. इनके साथ मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कर रहा हूं आने वाले टाइम में. सीरीज कर रहे हैं हम साथ मिलकर, तो उम्मीद है सब कुछ अच्छा जाएगा. चलिए सर, आप क्या कहेंगे सर? आर्टिस्ट तो आपकी मदद से ऐसा कुछ नहीं. देखिए हमारा इंटेंशन हमेशा होता है कि लाइक क्लीन एंड इनोवेटिव हो. एक तो काम साफ हो और एक एक कुछ इनोवेशन कुछ नया बन रहा है. तो अभी जैसे इंडस्ट्री का हालत है कि हर दूसरा चीज एक नया गाना आता है. बाकी पहले जैसा है नहीं माहौल की एक गाना बहुत दिन यादगार रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं आजकल गाना बहुत चीज. तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं. अभी जैसा 6 गाना पाइपलाइन में है, अभी यहाँ पे 2 गाना शूट हो रहे हैं. नेक्स्ट 4 गाना का शेड्यूल है पालगन में. फिर एक वेब सीरीज़ है जो Z5 के लिए बनाया जा रहा है और उसके बाद एक फ्यूचर है. तो प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में है ताकि हम लोग, और खास करके यहाँ पे नयापन ये है कि आई डोंट गो फॉर बिग नेम्स. बड़े स्टार्स के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते. हम स्टोरी, स्क्रिप्ट, कॉन्सेप्ट ये सब पे ट्रस्ट करते हैं. नए लोगों को मौका नहीं देंगे. तो मैं खुद करीब 50 साल का हूँ, तो बहुत सिंपल सी बात है. हम लोग नए लोगों को एंट्री नहीं देंगे तो वो लोग आएंगे कहाँ से? नहीं तो आपको अगला 20 साल भी वही स्टार्स को लेकर चलना है जिसको लेकर आप पिछले 40 साल से चल रहे. तो इसलिए थोड़ा नयापन, थोड़ा नया फ्लेवर, मौका दो, उसके बाद तो पब्लिक मालिक है एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर मौका तो मिलना चाहिए. तो सही जी, इनका ऑडिशन ये थे कैसे, चयन कैसे हुआ, कैसे करना था? चयन हुआ ऑडिशंस के तहत. हमारा एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाई अप है टैलेंट ट्रैक बोल के, तो वहीं से कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं और कुछ हमारा मतलब जान पहचान हुआ है जो पहले काम किया हुआ है हमारे साथ. जैसे सनी काम किया हुआ है पहले, कल्पना काम की हुई है पहले, तो इन लोगों को पहले से ही जानते थे. तो अभी कैरेक्टर के हिसाब से ये लोग सही जा रहा था तो हमने फिर इनको दोबारा मौका दिया. और बाकी लोग, बाकी दो जन जो है वो टैलेंट ट्रैक से हम लोग आउटसोर्स किया. सर गाने की बात करूँ, दो गाने अलग गाने हैं, एक जगह सनी जी, एक जगह, तो कैसे इनको देंगे कल्पना जी? ये कैरेक्टर एक्चुअली हर
गाने के पीछे एक कॉन्सेप्ट या स्टोरी होती है, ठीक है ना। तो अभी जैसा इनका देवजीत वाला गाना जो है, जब हम लोग इनको चूज करने का जो वजह था वो मेनली ये था कि इस गाने में इनका ओल्ड एज भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ये रिकलेक्ट कर रहा था, तो इनके फेस में वो एक इम्पैक्ट है कि लगे कि ये दुखी भी बहुत ईजीली हो सकता है ना। तो इसमें वो एक पाइवोटल कैरेक्टर है जिसके वजह से ये है। और सनी जी का गाना जो है वो फुल मतलब लाइफ ब्रांड गाना है, उसमें जैसा जोश फुर्ती वो थी वो, तो वो एक एक्सेप्टर है, ऐसे ही पंजाबी है बंदा। हाँ आपको पता ही है पंजाबी लोगों का रात चल रहा है, वही कहानी है। तो इसलिए लाइक उस गाने के जोश के हिसाब से इनका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो फिट होती है। आगे चार गाने जो कह रहे हो आप, इनमें भी कहीं सनी जी और देवजीत जी है या कोई और नए कलाकार? नहीं, नया कलाकार भी है, अभी उसका कास्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है। गाना का ऑडियो रेडी है, वीडियो का शेड्यूल भी रेडी है, मगर कास्ट फाइनलाइज करके उसके बाद कल से उसका काम शुरू होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर क्या कहेंगे बीइंग डायरेक्टर, दो दो गाने आपकी टोली में हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहेंगे? ये काफी अच्छे गाने हैं और वीडियो भी अच्छे शूट कर रहे हैं, कास्ट भी अच्छे हैं, और सैनी सर ने गाने को लिखे हैं और उन्होंने आवाज भी दिए हैं, और सर की कंपनी से एयर किंग फिल्म का प्रोडक्शन बैनर चले, ये सारा प्रोडक्शन चल रहा है, और रिंटू जी काफी अच्छे फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनका अदिता जी का काफी अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है कास्ट पे, और मैं इसमें मतलब हम लोग का एक पूरा टीम है सर के साथ, मतलब एयर इन फिल्म्स का एक पूरा टीम है जो सब एक दूसरे से सजेशन से मिल करके इस वर्क को अंजाम दे रहे हैं, और सारा अच्छा हो रहा है, अच्छे शूट भी हो रहे हैं, आर्टिस्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सर की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, और अच्छा काम हो रहा है, और हम लोग को भी मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं काम करने में, और हमारा जो जो भूमिका है डायरेक्टर वो मैं मुझे बात करें, दो गाने हैं दोनों की, अरे वीडियो की कहानी होती है, तो क्या कहानी है? हाँ, दोनों गाने में तो है, मतलब स्टोरी भी है, डांसिंग भी है गाने में। आजकल क्या है कि एक फैशन हो गया मतलब म्यूजिक वीडियो का, आजकल हिस्टोरिकल गाने ज़्यादा ही लोग देखते हैं, मतलब तो ये दोनों गाने में कुछ ऐसा है, कुछ स्टोरी है दोनों गाने में। एक लाइन में क्या स्टोरी है, जैसे कि ये दास्तान में अभी सर ने बताया, तो इसमें एक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मतलब पास्ट में दिखा रहे हैं लड़के का, वो डबल ज्यादा दिखाया, और जो सेकंड गाना है उसमें स्टोरी है कुछ, जो सर का जो स्टोरी है उसमें ऐसा स्टोरी है कि एक लड़की है और दो लड़का है, तो लड़की डबल डेट जैसे ही कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मैंने क्यों दे ही दिया, बाकी हम लोग मेहनत तो कर ही रहे, अभी आगे देखते हैं, तो आगे जैसे आएगा तब देख लेना, अभी तो पूरा स्टोरी नहीं बता सकते क्योंकि आप लोग को देखना भी है थोड़ा सा। तो ये बताइए पास्ट में क्या कुछ किया है आपने? जी सर, मैंने सरोज खान जी को मैंने असिस्टेंट भी किया है, उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है, अभी मेरा खुद का डांस क्लासेस भी चलता है, मैं एक्टर्स को ही ट्रेन करता हूँ और मैं इंडस्ट्री से ही। तो कितना टफ है, कितना आसान है कारों को लगाना? टफ तो बहुत है और था और अभी आगे भी है, बट मेहनत क्यों न्यू कमर जैसे नहीं थी चलो ये है कह रहे सर में, बाकी न्यू कमर है तो कुछ लग रहा आसान है? तो नहीं है, लेकिन सब लोग अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, सबको अच्छा भी लग रहा है, और एक टीम वर्क भी अच्छा हो रहा है, सब एक दूसरे को समझ के काम भी कर रहे हैं हम लोग, तो सभी को अच्छा ही लग रहा है। आप क्या यानी मंगा मम्मी फसल? हाय, आई एम आदिता बनर्जी, मैं फैशन डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट हूं, सो अभी ये जो दो म्यूजिक वीडियो हो रहा है, तो मुझे सनी सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, एंड दो सॉन्ग में जितना
अच्छा मैंने देखा दोनों दोनों एक्टर्स में लाल कलर आपने कलर दे दिया तो आई नो हम लोग वही बोल रहे थे दोनों का अलग अलग सीन था दोनों का अलग अलग चल रहा था एंड सिंस रेड इज अ कलर ऑफ लव इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग सो इट काइंड ऑफ इंपैक्ट्स द होल मूड सो वन ऑफ द सीक्वेंस में रेड इज अ प्रोमिनेंट कलर ये डायरेक्टर कोरियोग्राफर ने कहा था आपको या फिर आपने नहीं ये मेरा खुद का कलर कवर में कैसे कलर वगैरह करेंगे आपने इनके कस्टम में इनका शादी जी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वो कहे गाने के सो इंट्रो इनका इंट्रो सीन में वो था और इनका एक दूसरा सीक्वेंस में अलग से था तो कोइंसिडेंटली एक साथ हो गया तो अब दोनों ही रेड आप किस समय आए उसी समय ये उसी समय लाइक इनका फर्स्ट लुक हुआ इनका शॉट इनका हो चुका था और सेकंड इनका सेकंड वाला हो गया जी जी ये सेकंड शॉट था इनका सेकंड शॉट था ये अभी पूरे गाने में मतलब दोनों गाने में काफी चेंजेस है कॉस्ट्यूम का और काफी मतलब अच्छे का डिजाइन किया हुआ पूरा जैसे आप और कुछ कर रहे हो जैसे सर ने सही सर ने कहा है कि चार गाने हैं दैट्स इज अट्रैक्शन सर आपका ही है या फिर नहीं देखिए ये तो सर का मतलब बड़प्पन है मतलब नए लोगों के साथ ये तो वैसे ऑलरेडी मतलब काफी काम कर चुके हैं बट इन्होंने मेरा वर्क देखा मेरा मेहनत की चलो ठीक है आप मेरे साथ जुड़ो और जैसे बाकी लोग जुड़े हुए हैं बस है मतलब कंपनी में साथ में है बाकी हर एक काम का अलग अलग मतलब आज ये डायरेक्शन कर रहे हैं तो कंपनी का भी वर्क है और भी चीज़ है तीन गाने और हैं और सर का वेब सीरीज कमिंग है वो सारा से वो सब चल रहा तैयारी तो इस कंपनी से बहुत सारे प्रोजेक्ट का मतलब 2023 में मतलब बैक टू बैक मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे हम लोग को पूरा टीम को और भी नए लोगों को मतलब काम मिलता रहेगा बैठने का मौका नहीं मिलेगा और आपको भी बुलाते रहेंगे हमेशा कोविड कैसे भी निकाल देंगे इस बार कोविड रिलीज रहेगा तो भी काम चलेगा भी कैसे निकाल देंगे वहां बैठे थे हम लोग यहां निकाल देंगे तो सही सर आपने गाना लिखा है कितने गाने लिखे दो गाने अभी भी आपने लिखे 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 पांच रिकॉर्ड हो चुका है जी जी तो कौन कौन सिंगर फिल्म के पांच चुके सब नए हैं या फिर अभी नए हैं सब नए हैं मैंने एक्चुअली लोग जो सिंगिंग करते थे मतलब प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करते थे वैसे सिंगर्स मैं ढूंढा लेकिन पूरा वर्क प्रोफेशनल है एज ए म्यूजिक इनके मतलब इनका सबसे बड़ा क्या खासियत है कि अगर दूसरे नए सिंगर गा रहे हैं तो उनके डायरेक्शन भी इसको ऐसे नहीं से मतलब इनका हमारे हिसाब से क्या कि ये जो रियलिटी शोज वगैरह से सिंगर्स निकाले जाते हैं वो कई सिंगर्स के प्रति इनजस्टिस होते हैं जैसे अपने टॉप 16 में गया जीता एक उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला जबकि बाकी 15 सिंगर जो है वो इतिहास हो गया दूसरा दिन से आपको दिखेगा भी नहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं ये लोग दिखावा शो है अगर काम देना है तो उतना पैसा सेफ्टी इन्वेस्ट ना करके उसमें 5 म्यूजिक वीडियो निकालो डन कर उसमें 10 सिंगर को मौका दो मेरे लिए वो ज़्यादा सेंसिबल है हमारे आबादी जिस हिसाब से है और उस हिसाब से जो टैलेंट है वो रेशियो बहुत ज़्यादा है या 4-5 टेलीविजन शोज से ये कवर होने वाला चीज़ है कई लोग ये जो सिंगिंग स्कूल डांसिंग स्कूल चलता क्यों है बच्चे को क्यों भेजा जाता है पेरेंट्स क्यों भेजते हैं ताकि वो बड़ा होकर प्रोफेशनल लेवल पर काम कर सके पैसा कमा सके नाम शोहरत कमा सके मगर वो होता कहाँ है कुछ लोगों ने अपना अपना जिंदगी ग्रुप डांसर बन के निकाल दिया बिल्कुल है बहुत मुझे उसमें कोई सेंस नहीं आपकी वेब सीरीज जो है इसी मुद्दे पे रही मेरे ख्याल से अगर उस मुद्दे पे नहीं सीरीज जो है वो स्कैंडल है उसका टाइटल और वो डार्क शेड जो डार्कनेस है इंडस्ट्री का या सोसाइटी का सिर्फ इंडस्ट्री नहीं सोसाइटी का उसमें जर्नलिज्म है फिल्म इंडस्ट्री है मनी लॉन्ड्रिंग है कई सारे नेगेटिव एक्टिविटीज का जो एक नेटवर्क चलता है जो कि ऊपर से नहीं दिखता है बंदे अच्छा खासा ऑफिस से निकलते हैं अच्छा खासा ऑडी बीएमडब्ल्यू में घर जा रहे हैं मगर जो बैकग्राउंड स्टोरी होता है वो सबके पीछे कुछ अंधेरा कुछ डार्क साइड होता है उसी साइड को एक्सपोज करता है किन से इंस्पायर मतलब या मैं एक्चुअली मतलब देखो आप नेगेटिव चीज जब दिखाते हो
तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाते हो, है ना। तो क्या है कि जो ऑडियंस होती है तो उनको फास्ट मनी मेकिंग जो कॉन्सेप्ट सबको पसंद है, हिंदुस्तान में खास करके हम लोगों सबको पसंद है कि बहुत जल्दी पैसा बढ़े। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसका क्या हो सकता है हशर, वो हम दिखा रहे हैं ताकि आपको ये एहसास हो कि भैया ये अगर करोगे तो हो सकता है दो चार साल बाद ऐश कर लिया, उसके बाद हो सकता है सात दस साल कहीं और रहे। आखिर में क्या चाहेंगे मुझे सब आपको कहेंगे सर, कुछ कहेंगे ऑडियंस से? वैसे से सर के लिए कितना भी बोलूं अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट है, वो सही बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही। मैं देखो जैसे अभी हम लोगों ने अभी चार पांच गाने का और प्लान है, और ये दो गाना जो आज हम लोग शूट कर रहे हैं इसमें सारे नए हैं, सारे और ऐसे सर नए लोग के साथ ऐसे काम करता है, क्यों किया ये गलत क्यों कर रहे, ये दस बार बताएंगे क्या, नहीं कर ले कर ले, और एक बार ले लो चलो, मतलब ऐसा लगता है बच्चा है, मतलब ऐसे बच्चे को काम भी अच्छा होता है, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, सबको अच्छा भी लग रहा है, किसी को मतलब बुरा फील भी नहीं हो रहा है, सर का पूरा टीम ही मतलब ऐसा है कि मतलब बहुत अच्छी लग बहुत अच्छी लग। हां सर बोल रहे था, हां बोल रहे कि हम लोग इतना वैरायटीज में, कई लोग सोचेगा कि जनरली क्या होता है कि एक जॉनर होता है कि लोग या तो म्यूजिक वीडियोस में स्पेशलाइज करते हैं या वेब सीरीज में या फिल्म्स में, हमारा ये वैरायटी लाने का वजह है कि जब हम मुंबई में काम स्टार्ट किए तो हमने देखा कि ये चैनल लोगों का अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी बात, और इसमें बहुत सारा इंटरनल डिस्क्रिपेंसी भी है, आपको एक प्रोजेक्ट पास कराने के लिए सरकारी ऑफिस में जैसा रेटीज में आपको लाखों रुपया घूम देना पड़ता था, यहाँ पे भी वो है, और मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ एनी चैनल। तो कहानी ये है कि हम इसलिए एक अपना OTT ला रहे हैं, इसका नाम है एंटरटेन, जैसा एंटर ENTER और 1010। अच्छा एंटरटेन, हाँ तो ये लोगो है उसका, तो ये उम्मीद है कि हमारा बर्थडे है जून को, जून में इस टाइम हम लोग ये लॉन्च करेंगे, तब तक ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, जो कम बजट में घर में बैठ के शॉर्ट फिल्म बनाता है, छोटा छोटा काम करता है, कई लोग फोटोग्राफी करते हैं, कई किस्म का काम होता है, तो हम लोग इन टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। इनिशियली ये 10 टीवी स्क्रीन में चालू हो रहा है, और इसको एक्सपेंडेबल रहेगा, इस तरह से जैसे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा, तो हमने वहीं से नए लोगों का काम सिलेक्ट करके उनको फिर प्रमोट करना है, जैसे शॉर्ट फिल्म्स को फेस्टिवल्स में भेजना, क्योंकि कई लोगों के पास वो एंट्री देने का पैसा नहीं होता है, बिल्कुल ना, बनाते हैं तो कई लोग हैं, मगर वही है कि वो घर का कैमरा या दोस्त का कैमरा लेके इधर उधर से शूट करके, मगर देखा जाए कंटेंट बहुत उमदा है, हो सकता है बड़े फिल्म में तो उसमें से नहीं बना पा रहे, हमारे हिसाब से नाम से कुछ नहीं होता, बड़े नाम हो तो ऐसा कई केसेस है जहाँ पे बड़े बड़े नाम बड़े बड़े फ्लॉप्स दिए हुए हैं और नए नए नाम बड़े बड़े हिट्स दिए हुए हैं, तो इसलिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ब्रांड लेके काम नहीं करना चाहते, ब्रांड क्रिएट करने में मजा आ रहा है। यहाँ पे फाइव लोपिया पे वालमो वालमो हेलो मैम, यार सर सर